तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का ये सवाल आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कि आप बिहारी हो, बिहारी हो तो मैं बिहारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बलिया के हैं, यूपी के, और उनके वहाँ होता है तो मेरा हक बनता है कि मैं ये चीज़ करूँ। और उनकी मम्मी करती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो बहुत मन था। और प्लस मेरा बेटा हुआ था, इस वजह से भी मेरा बहुत इच्छा थी मेरी कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा, बेटा हो या बेटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी भगवान मुझे दे देगा, इनके सब भगवानों के आशीर्वाद से मुझे मेरा बच्चा मिला है, तो वही मैंने इस बार छठ उठाया उसके लिए मेनली। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो उनके वहाँ होता है वो चीज़ मैं करूँ। और इसमें मुझसे कोई भी गलती हुई हो, अगर आपको दिख रहा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप लोग भी, क्योंकि मैं इस सब के बारे में पहली बार मैंने किया था, तो मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं थी कि क्या कैसे होता है। इस वजह से उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी है, और घी काफ़ी जम गया था क्योंकि मैंने इसको रख दिया था अलग, तो इस वजह से। और उसके बाद मैंने मतलब ठेकुआ का जो आटा लगता है, खस्ता है ये, वही सब लगा रहे थे, तो मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा फास्ट भी है, तो ज़्यादा मैं उतना अगर करती तो गला सूख जाता मेरा। तो ये आटा मतलब ये पहले की क्लिप है, तो यहाँ पे सब आटा मैं चेक कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है, वो मैं चेक करके देख रही थी कि कहीं फट ना जाए तेल में। सो अगर कंसिस्टेंसी ठीक होगी तो मैं डाल रही थी, वरना फिर इसको दोबारा से ठीक करना पड़ा था मुझे। और यहाँ पे पूरा खाना हमने मतलब जो प्रसाद था वो चूल्हे पर ही बनाया, और काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में क्योंकि धीरे धीरे पकता है, तो उस हिसाब से ये बनता है। यहाँ पे चूल्हे पर सब कुछ बनाया, मैं तल रही थी, ये लोग बना बना के दे रहे थे, बाद में मेरे हस्बैंड ने पूरे जितना प्रसाद था उन्होंने ही बैठ के तला, और मेरी बहन ने बनाया, दोनों ने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की मेरी, उनके बिना तो पता नहीं पॉसिबल नहीं होता शायद। और उसके बाद हम तुरंत बहुत जल्दी जैसे प्रसाद बना छठ घाट के लिए निकल गए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था हमें, और जो हमारे पड़ोसी थे वो लोग जाने लगे थे, तो इसलिए हमें भी जल्दी जल्दी करना पड़ा। जैसे तैसे बस हम रेडी हुए, कपड़े पहने, उसके बाद हम चल दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम जो है निकल गए, वहाँ पे मैं बैठी थी और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब अंदर से लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन सब बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ पे हस्बैंड मेरा सामान पकड़ा रहे थे कि रख लो, मतलब मुझे जो चाहिए था बगल में एक आंटी थी वो बता रही थी मुझे सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि क्या कैसे करना है, और काफ़ी सामान घर पे भी रह गया था तो बार बार वो लेने जाना पड़ा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सूरज भगवान जी निकलना स्टार्ट हुए तो अर्घ देने की बारी आई, तो यहाँ पे मैं खड़ी थी और हस्बैंड थे कि ऐसे ऐसे कर लो, और बता रहे थे कि क्या करना है, तो मैं वही देख रही थी बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ये भी था कि हाँ जैसा सब करेंगे मैं वैसा ही कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पानी में खड़े हैं, मैं किसी चीज़ के लिए बुला रही हूँ कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, तो मुझे बताने आई थी। इसको भी पता है, मेरी भतीजी है तो इसे भी काफ़ी ज़्यादा पता है क्योंकि इसने शुरू से देखा है, तो वही सब। और पीछे भी आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ थी वहाँ पर, क्योंकि छठ घाट जहाँ भी होता है भीड़ हो जाती है। उसके बाद बारी है अर्घ देने की, सो यस मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अर्घ दिलवाएंगे मुझे। और सुबह के अर्घ में पंडित जी रहते हैं, वो आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये वही करा रहे हैं। और यहाँ पे अर्घ जो था वो हो गया था, उसके बाद मैं बस प्रणाम कर लूँगी, और इसमें प्रणाम आंचल पकड़ कर ही होता है, या आप किसी के पैर छूते हो तो हमारे यहाँ आंचल पकड़ के ही प्रणाम करते हैं और पैर छूते हैं, तो यही सब हो रहा था। यहाँ पे सारा कुछ हो गया, भगवान अच्छे से इतना तक तो निपट गया। उसके बाद जो था फिर हमने वहाँ से निकली और वापस से जाके घाट पे ही बैठना था अपने, तो यहाँ पे कुछ बुद्धि जी भी लोग थे जो मतलब तो मैं क्या बताऊँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको बस ये लगता है कि हम कहीं से भी घुस जाएँ, तो सारा भी देखा हमने, एक लड़का ऐसे चला गया था। उसके बाद यहाँ पे वही सब हो रहा है कि हाँ क्या कैसे करना है क्या नहीं करना है, सब देख रहे हैं। और क्लिप अगर दोबारा आ गई हो तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स हैं तो उसमें एडिटिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मुझे, और इतनी आदत भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं पहचानने आ रही होंगी तो मैं केला जो है उसके पीछे बैठी हुई है, और
और सीधे पल्ले की साड़ी मैंने कभी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो उतना मुझे ब्लॉगर यहाँ पे, इसीलिए मैंने सर पे ओढ़ा नहीं था और फटाफट जैसे तैसे मुझसे चला गया, मैं चली गई घर। पल्ला मैंने नहीं डाला, तो मम्मी मेरी बता रही थी कि हाँ वहाँ पे क्या हो रहा था क्या हो रहा था। तो मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं इन सब चीज़ों में, ऑल दो उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। सो बस इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम। तो हैप्पी छठ पूजा और बाय, टेक केयर।